हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग गाइस। तो सीधा मैं आ चुकी हूँ शूट पर, क्योंकि आज है हमारे गाने का शूट। पापा जी घर पर आ गए थे, पूजा कर ली थी और सीधा आप सेट पे पहुंची हूँ, रेडी हो चुकी हूँ। तो ये है मेरी फर्स्ट लुक और मैंने पहना है डेनिम वन पीस, साथ में बहुत ही सुंदर सा नेक पीस और लॉन्ग बूट्स। सो गाइस, हेयर में मैंने कुछ ऐसा करवाया है, स्टोन्स लगवाए हैं, तो कमेंट जरूर करना कि आपको मेरी जो लुक है कैसी लग रही है। तो गाइस, घर से मैं बहुत सारे कपड़े लेकर आई थी, पूरा बैग शू का। ये वाले जो दो कपड़े ये जा रहे हैं वापस, ये कपड़े मुझे पहनने हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारे कपड़े हैं, क्योंकि ना शूट पे समझ नहीं आ रहा था कौन से कपड़े लेकर जाऊँ कौन से नहीं लेकर जाऊँ। तो एक बहुत सुंदर ड्रेस थी वो भी लेके आई, बट वो ड्रेस न्यू की न्यू है बट मुझे आई नहीं। तो गाइज, यहाँ मेरे सेट पे राज भैया ने मेकअप करा है बहुत ही सुंदर। तो भाई ये है राज भैया, इन्होंने करा है बहुत अच्छा मेकअप, और पहले भी मैंने इनसे मेकअप करवा रखा है और इनका मेकअप बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे गाने आने वाले, तो हम राज भैया आपको बुलाएंगे। ठीक है, ओके भाभी। तो गाइज, फाइनली मैं आ गई हूँ सेट पे और ये है मेरे सेट की लोकेशन, कुछ ऐसी है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, यहाँ पे लग चुका है कैमरा और ये लोकेशन है कुछ ऐसी। यहाँ पे कैमरा वैमरा सब कुछ सेट, तो अभी सब कुछ रेडी है। किस चीज की वेट हो रही है? स्पीकर की वेट हो रही है भैया, साउंड को लगाओ। हो गया, चलो कनेक्ट हो गया। तो गाइज, मैं जा रही हूँ अपने फर्स्ट टेक पे। सो गाइज, मेरे साथ साथ ना अरमान जी भी इतने ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं ना आज, मैं तो वैसे बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हूँ। ये भी कम नहीं लग रहे, इनका जो हेयर स्टाइल है ना मुझे बहुत अच्छा लगा, मस्त लग रहा है। तो अभी चल रहा है एनी की परफॉर्मेंस, बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने जबरदस्त सा गाना आने वाला है। गाने का नाम है गंडासा, थोड़ा सा आपको सुना देती हूं। लड़की ने लाजवाब, देखो देख सकते हो ये सारी जो स्वेटिंग है ना। तो अभी भाई अरमान जी के साथ जा रही हूँ मैं सेट पे। देखो भाई, मेहनत सब करते हैं, हमारे पीछे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और बहुत पहले से हम तो बहुत ही मेहनती बच्चे हैं। जो भी गाना हिट होता है वो इनकी बदौलत है। हम तो आ जाते मुंह उठा लिए, हमसे पहले आते हैं, हमसे लेट जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम तो फिर भी गाड़ी उड़ी में आ जाते हैं, हवाबाजी करते हैं, बिल्कुल सही बात है। मतलब सारा क्रेडिट इनको जाता है। और आप बहुत अच्छा डांस करते हो, आप स्पेशली आप। तो गाइस, हमारे यहाँ पे योगेश भैया भी आए हैं, तो बस यहाँ पे है। और भैया कैसे चल रहा है गाने का शूट? बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी हम गाइस घर जाएंगे ना शूट के बाद, तो आप लोगों को ना मैं बप्पा जी के भी दर्शन कराऊंगी, क्योंकि बप्पा जी आए हैं, आज ही बप्पा जी आए हैं और हम लोग उनको विराजमान करके पूजा करके फिर आए। क्या मैंने तो दर्शन ही नहीं करे क्योंकि मैं शूट पे आ गया था। भैया कोई बात नहीं, काम करेंगे, आप टेंशन मत लो गाइस। हम लोग घर जाएंगे, घर जाके ना सबसे पहले मैं ये व्लॉग बिल्कुल भी एंड नहीं करूंगी, मैं आप लोगों को बप्पा जी के दर्शन करवाऊंगी, उसके बाद ही एंड करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ना शूट करते करते ना सुबह के 8 या 9 तो बज जाएंगे। तो कोई बात नहीं, मैं सुबह की आरती जरूर दिखाऊंगी आपको। कमाल का गाना शूट हो रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और रात के 10 बज गए हैं। तो गाइस, इस गाने में एनी ने भी बहुत ही कमाल का डांस करा है, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, कमाल का सुपर। और गाइस, बात करूं मैं इन बच्चों की, तो भाई कमाल का डांस कर रहा है एक एक ने, बहुत अच्छा। मैं सबके लिए ताली बजा रही थी, वेरी नाइस परफॉर्मेंस, लवली डांस। सो गाइस, सेकंड आउटफिट है मेरी ये ब्राउन कलर की, और ये जो ड्रेस है ना ये मैंने जारा से ली थी लक्ष्य के बर्थडे के लिए। सोचा था कि लक्ष्य के बर्थडे में पहनूंगी, पर उस टाइम पे मैंने वो ड्रेस नहीं पहनी, मैंने सीक्वेंस वर्क वाली जो ड्रेस है वो पहनी। सो गाइस, इस ड्रेस का लुक कुछ ऐसा है, ये मतलब कि ऐसे हॉल्टर नेक है और कुछ ऐसे फिश जैसी जो ड्रेस होती है ना, फिश स्टाइल की कुछ ऐसी है, तो मैंने इसके साथ कैरी किया है ये ब्राउन हील्स। तो गाइस, अभी चल रहा है दोबारा से शूट के लिए हेयर स्टाइल चेंज, क्योंकि हेयर स्टाइल चेंज हर एक ड्रेस पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, इसे बोलते हैं वेव्स कर्ल जो मैं करवा रही हूँ, और अभी बालों में ना स्प्रे लगा, तो अभी हम लोग ना घर जाके ऑयलिंग करते हैं। तो आप लोग भी जितने भी लोग हैं आदिवासी हेयर ऑयल यूज करो, बहुत ही इफेक्टिव है। मैं इतनी स्टाइलिंग करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। देखो, मेरे को तो लेंथ शॉर्ट रखना पसंद है, मुझे बाल ज्यादा लॉन्ग पसंद नहीं है, बट आदिवासी आपके बाल भी लॉन्ग होंगे, साथ ही साथ ना आपकी नकली भी आ रहा है आदिवासी भैया, नकली आ रहा है। बट अगर आप गाइस हमारी साइड से लेते हो तो आपको ओरिजिनल मिलेगा, आपकी स्क्रीन पे नंबर दिख रहे 5, आप उन पे कॉल करो जाकर ओरिजिनल लो, क्योंकि ना लोग फेक भी बेच रहे हैं, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट हो गया, इन पे बहुत सारी साइट्स पे ना फेक प्रोडक्ट भी आते हैं जो 200 रुपए 500 रुपए
700 रुपए के आते हैं, तो वो फेक प्रोडक्ट से बचो, क्योंकि फेक प्रोडक्ट से भाई आपके बाल भी डैमेज हो सकते हैं और बाल झड़ भी सकते हैं। तो जब भी आदिवासी हेयर ऑयल लो, हमेशा ओरिजिनल साइट से लो। मैम, ओरिजिनल और डुप्लीकेट में क्या फर्क है? ओरिजिनल और डुप्लीकेट में भैया पैकिंग का फर्क होता है, साथ में उसके कलर का फर्क होता है, तेल का फर्क होता है। पर जो नंबर गाइज मैं दे रही हूँ, उस नंबर पे कॉल करके आप तेल मंगवाओ। तो गाइज अभी तक चल रहा है शूट और ये है थर्ड कॉस्ट्यूम। ये मैंने ब्लैक कलर का लहंगा पहना है और दोबारा पहन लिया, कल भी पहना था आज भी पहन लिया, बट फायदा हो गया मुझे क्योंकि कल जो मैंने पहना था वो पहना था मेरा। और भाई ये जो लहंगा मैंने पहना है, पहने पायल का। हाँ कृतिका भाभी आप बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू भैया, और मैं आपकी ना बुराई नहीं करूंगा आज के बाद। तो गाइस योगेश भैया को समझ आ चुका है कि जो बंदा मेरी बुराई करता है वो गालियां खाता है ब्लॉग्स के अंदर। तो भैया कमेंट्स भी आ रहे थे योगेश भैया को, तो योगेश भैया ने मुझे माफी मांगी और व्हाट्सएप किया कि बहन मुझे माफ कर दे। मैंने कर दिया, मेरा दिल बहुत बड़ा है। ठीक है सूरज भैया, सही करा, मैंने माफ कर दिया। तो गाइस अभी जो मेरा टेक है वो है ये वाली स्टेयर्स पे, और इसमें ना सीरियसली ब्लैक वाला भी लहंगा ना इतना सुंदर आ रहा है, इतना खिल के आ रहा है ना। आज मैंने पूरा किया और पीछे मैंने लगाया है पिंक कलर के रोजेस, और सच में बहुत ज्यादा सुंदर आ रहा है मेरे को ना। हाँ जी भैया, व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं अपना काम। तो गाइस रात की बज गई है 3 और अभी भी शूट चल रहे हैं, और ये मेरे हिसाब से हमारी लास्ट आउटफिट है। तो भाई बहुत ही ब्यूटीफुल मैंने दामन पहने, बहुत ही सुंदर लग रहा है, साथ साथ ना 3 बिंदी भी लगा ली है। अच्छे लग रहे हो आप भी, अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। आपने बहुत यूनिक कपड़े पहने हैं, बहुत डिफरेंट लग रहे हैं। सो गाइस बहुत ही प्यारा सा टेक चल रहे हैं यहाँ पे। ये जो मतलब की पीछे का सेटअप है ना, बिल्कुल गाँव जैसा किया हुआ है। इस पे जो हमारी लुक है ना बहुत ही परफेक्ट आएगी। तो वहाँ पे एनी खड़ी है और बहुत सारी गर्ल्स खड़ी है, हाय सारी हाय कर दी है। भाई बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने बहुत ही जबरदस्त गाना आने वाले। तो भाई गोलू कुछ डिफरेंट करने वाले, कह रहे मैं कीकली करने वाली हूँ, और जो एनी है उसको कीकली आती नहीं है, गोलू उसको कीकली सिखा रही है। घूमने वाला टेक है कुछ ऐसा। चलो भाई रोलिंग कैमरा साउंड। तो गाइज इस गाने में ना हम लोगों ने सारे आउटफिट ट्राई कर लिए है, चाहे वो आउटफिट वेस्टर्न हो, चाहे इंडियन हो, चाहे हरियाणवी हो, मतलब जबरदस्त गाना आ चुका है। जिसने अभी तक नहीं देखा जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके गाना चेक करो, अपना कमेंट करना कि आपको कौन सी लुक मेरी अच्छी लगी। तो गाइज सुबह के 4:30 बज चुके हैं और बस ये लास्ट टेक है होपफुली। और अभी जो मैंने पहने, काफी पुरानी ड्रेस है ये मेरी, ये काफी पुराना जंपसूट था, मैंने सोचा इसकी टर्न लगाऊं तो कुछ ऐसा दिख रहा है ये जंपसूट ये वाला। और एनी ने पहना है वो वाली ड्रेस जो मैंने पहनी थी लक्ष्य के बर्थडे पे। सो गाइज ये जंपसूट कुछ ऐसे दिखता है नहीं आजा, तो एनी ने पहनी वाली ड्रेस क्योंकि हमें बोल रहे हैं कि थोड़ी शाइनी शाइनी ड्रेस पहननी है। एक बात बताती, देखो बहुत अच्छा लगा था जब आपने लक्ष्य के बर्थडे पे पहना था। हाँ एक बात बताऊं यानी ये जो जंपसूट है ना ये 8 से 6 साल पुराना जंपसूट है। ये 6 साल पुराना कैसे लग रहा है? क्योंकि 6 साल के अंदर ये आज मैं दूसरी बार पहन रही हूँ, इसलिए एक बार 6 साल पहले पहना था और ये एक मैंने बहुत पुराने वीडियो थी गाइस, जब मैं दिल्ली में रहती थी पुल के ऊपर चलते तब मैंने पहना था जंपसूट। देखो 6 साल में दूसरी बार पहना है, ये 6 साल पुरानी ड्रेस है। हाँ ये देखो फिट आ रही, बिल्कुल सही बात है। सो गाइस सुबह के बज गए हैं 5 और फाइनली भाई शूट इज ओवर, शूट हो गया है कंप्लीट। तो बस अभी घर के लिए निकल रहे हैं और घर जाके ऐसा सोने ना, नींद आ रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, पैरों में दर्द हो रहा है बहुत तेज का। तो गाइस घर से मैं ये वाला वन पीस पहन के आई थी, मैंने यही वन पीस पहन लिया, सब कुछ पैक हो गया, तो ये हील्स बची हुई है, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं यही हील्स पहन लेती हूँ। और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि बाल और मेकअप रिमूव करूं। तो गाइस मैं सोच रही हूँ काम करूंगी कि ना घर जाके ना हेयर स्टाइल और ये जो मेकअप है ना घर जाके रिमूव करूंगी, मुझे हिम्मत नहीं है घर जाके। तो भाई ऑयलिंग करनी पड़ेगी, यानी बालों का ना ऐसा कचुम्बर बन गया ना, इतनी सारी वैक्स लग गए सब कुछ। बस गाइस निकलते हैं घर की ओर। तो गाइस यहाँ से ऑलमोस्ट ना मुझे 1 घंटा लग जाएगा घर पहुँचने के लिए, 1 घंटे तक हम घर पहुँच जाएंगे। और मैं सोच रही हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट करके सो, और आप लोगों को जो मैंने प्रॉमिस किया था कि घर जाके मैं आप लोगों को बप्पा जी से मिलवाऊंगी, तो वो भी करना है। तो बस 1 घंटे में आप लोगों को मिलवाती हूँ मैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. तुम पता है बहुत सारे केक खाए, but happy birthday. God bless you. Thank you. तो भाई कोई भी पार्टी वार्टी शादी वादी कुछ का भी कोई भी प्रोग्राम करना तो यहाँ जरूर, हमें जरूर इनवाइट करें सबको। नहीं हमें तो करना पर माई स्काइप जरूर पहुँचना। और ये हमारे बड़े भाई हैं और ये इन्हीं का है, और हम जब भी दिल्ली आते हैं तकरीबन यहाँ आते हैं, तो बस यही था कि आज जो हमारी छोटी बहन है
उसकी जन्मदिन की भांजी भी बहन भी सब कुछ ही समझ लो, क्योंकि घर की बेटी है हमारी, उसका जन्मदिन हमने आज यहाँ पे सेलिब्रेट किया है और हमने पूरा खाली करवा के रखा है। भाई भाई यहाँ पे शोर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, देख लो चारों तरफ सिर्फ हम ही। एक बात बताओ, जो आसपास के लोग हैं ना दिल्ली वाले, कुछ स्पेशल डिस्काउंट हमारे लिए? बिल्कुल डिस्काउंट मिलेगा। गोलू की आवाज थोड़ी तेज है, गोलू बोलेगी। जी भाई, तो बिल्कुल स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यहाँ पे पार्टीज करते हो। आपको आना है माई स्काई, डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ का एड्रेस भी मिल जाएगा, साथ ही साथ पेज देखोगे ना मतलब दिल खुश हो जाएगा यार, मतलब मजा आ जाएगा। मतलब कि ना वाला टाउन में है। अच्छा, ये जो हमारी बहन है ना, इनसे बात कराता हूँ, आप इधर आ जाओ। ये मुझे बोले अरमान भाई वो तो खुला है, मैंने बोला बहन खुला है। मुझे लगा कि शायद ऊपर रूफ ओपन है, मैंने कहा वहाँ तो हमें स्वेटिंग आएगी, बट यहाँ तो बिल्कुल उल्टा मिला। यार मैं तब आऊंगी जब एसी चलता होगा, बताओ इनकी डिमांड थी। फिर इनको स्पेशली मैंने अंदर रूम में रखा, वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से ना कॉटेज टाइप से, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो आप देखो। गाने का नाम है गंडासा और उसमें दो हसीनाओं ने काम किया है, ये दोनों है। तो भाई एनी ने किया है उसमें जबरदस्त जबरदस्त डांस और गोलू ने किया है डांस प्लस एक्ट, ठीक है। तो दोनों का कमाल गाना आ चुका है और वॉइस है द वन एंड ओनली अरमान मलिक के वॉइस में बहुत ही प्यारा गाना गंडासा आ चुका है नंबर वन रिकॉर्ड्स पे। जिसने गाना नहीं देखा है, आपने बिहाइंड द सीन तो सारा देख चुका है कि कैसे 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 बना हुआ। और ये ड्रेस रह गई थी गोलू किस दिन पहनी, तो उन्होंने आज ये पहन ली क्योंकि आज बर्थडे है हमारी भांजी का, तो हम लोग बस वहीं के लिए निकल रहे हैं चीकू है नानी के घर। तो भाई जल्दी जाओ, सबसे पहले नंबर वन रिकॉर्ड्स को आप सब्सक्राइब भी कर लो ताकि नए नए गाने अब आते रहेंगे अरमान जी के वॉइस में, चीकू के भी गाने आते रहेंगे। चीकू का गाना तो आप लोगों ने देखा बहुत प्यार दिया, तो गाने को ट्रेंडिंग नंबर वन पे खुलवा देना, इतना प्यार देना। और साथ ही साथ तूबा कलेक्शन लाइव हो चुका है, वेबसाइट जो है डिस्क्रिप्शन में है, और आपने इतना प्यार दिया कि हमारी जो वेबसाइट पे ग्लिच आ गया गाइस। डोंट वरी, हमारी टीम काम कर रही है उस पे, बहुत ही जल्दी वो लाइव हो जाएगी फिर से, और अपने ऑर्डर प्लेस बिल्कुल भी मत करना भूलना। तो गाना कैसे लगा, किसका एक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा जरूर कमेंट करना, गोलू अरमान जी या पायल का या फिर जो उस गाने में विजिबल नहीं हो, अनविजिबल मोड दिखाई नहीं दूंगी सिर्फ है पर ही। तो बस इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी आके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय, सारा प्यार देना, बाय बाय गाइस।